बड़हलगंज थाना क्षेत्र में बड़ी निर्ममता से एक युवक को लाठी डंडे से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। मनबड़ों ने युवक की एक आंख भी फोड़ दी। आपको बता दें, घटना बड़हलगंज कोतवाली क्षेत्र के उजवाली गांव की है। 22 वर्षीय युवक करण के पिता हरीश चंद्र ने बताया कि शनिवार की रात 9 बजे उनका बेटा घर से निकला था। रात भर उसका कुछ पता नहीं चला। रविवार की भोर में वह बुरी तरह लहूलुहान हालत में गिरते पड़ते घर पहुंचा। उसके आधे शरीर पर कपड़े भी नहीं थे, शरीर पर काफी चोटें आई थीं, चेहरा, पीठ और पैर में गंभीर चोट थी, उसकी बाईं आंख भी फोड़ दी गई थी। पूछने पर करण ने बताया कि गांव में नगीना यादव, रामभवन यादव, पिंचू यादव, अवधेश यादव ने उसे बैसुखिया देवार नाम की जगह पर बुलाया था। वहां पर एक लड़की से गलत संबंध का आरोप लगाते हुए मारने पीटने लगे। युवक उन्हें सफाई देता रह गया कि उसका उस लड़की से कोई संबंध नहीं है। अपने बेटे को बुरी तरह घायल अवस्था में लेकर हरीशचंद और परिवार के अन्य सदस्य तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। इस संबंध में एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। वहीं बड़हलगंज पुलिस ने हत्या के मामले में कुछ घंटे के अंदर चारों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्त में लेते हुए हत्या में इस्तेमाल हथियार को बरामद किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव और गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए सीओ गोला श्याम देव ने कहा, बीती रात एक घटना हुई है। एक ग्राम ओजोली है, वहाँ का एक लड़का मृतक जो है करण है ना, वो उसकी हत्या की गई है। कोई बताते हैं कि प्रेम प्रसंग था और किसी के घर गया हुआ था, 9:30 बजे रात से गायब था। सुबह उसकी बॉडी मिली है, जिसे वो परिजन उसे हॉस्पिटल ले आए थे और हॉस्पिटल लाने के बाद वो मृत घोषित कर दिया गया। लाठी डंडे से पीट के हत्या बताया जा रहा है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो भी चोटें होंगी उससे स्पष्ट हो जाएगी। अपराध पंजीकृत कर लिया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को जो सूचना मिले, ये हरिश्चंद्र ने सूचना दिया कि इनका लड़का 9:30 बजे लगभग घर से गया था कहीं, और उसके बाद 3 बजे रात में ये लौटा है और इसको चोटें लगी थी, और उसने बताया कि उसको नगीना और उसके लड़कों ने बुला के उसको मारा है, और उनको शक था कि उनकी लड़की से इसका संबंध है इसलिए मारा है। तो ये उसके बाद ये लोग उसको कुछ देर घर पे रखे रहे। जब तबीयत ज्यादा खराब हुई तो 5:30 बजे के आसपास सीएचसी लेकर आए बड़हलगंज। सीएचसी बड़हलगंज पर वहां पर डॉक्टरों ने देखा तो उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद इन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत करके पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को जडवाड़ी को भेज दिया गया और वहां पर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो गई। और इन्होंने जो एफआईआर लिखाई थी, नगीना यादव पुत्र स्वर्गीय सुखराज यादव, वह उसके लड़के रामभवन यादव, पिंटू यादव और अवधेश यादव के विरुद्ध लिखाई थी। और उसके बाद जो है कि चारों आरोपी अरेस्ट हो गए हैं और उनको कल माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। ये घटनाक्रम है और लड़का उन्हीं के घर गया था, और इनका कहना था कि वो घर पे आया था और हम लोगों ने देखा तो उसके बाद वो छत पर से कूद गया, और उसके बाद जो है कि वहीं पर उसको पकड़ के पीटे हैं, मारे पीटे। उसके बाद जो है कि वो वहां से भाग के घर आया और घर से वही जैसा वो बता रहे हैं कि लेकर हॉस्पिटल गए, वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।